Hello and welcome to our YouTube channel, Rubal Solutions. This video will contain chapter 3 of class 2 and very interesting topic about keyboard. At the end of this chapter, you will be able to use the alphabet keys, number keys and arrow keys of the keyboard and identify, locate and use special keys like spacebar key, enter key, caps lock key, backspace key, page up key, page down key and know how to touch typing. Keyboard basically एक input device है जिसकी हेल्प से हम सारा डेटा इनपुट करते हैं कंप्यूटर के अंदर. कुछ भी हमें टाइप करना होता है तब भी हमें कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है. कीबोर्ड बहुत ही असेंशियल पार्ट है कंप्यूटर में, इसलिए आज हम सीखेंगे कीबोर्ड क्या है. अ कीबोर्ड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर. द स्मॉल बटन्स ऑन द कीबोर्ड इज़ कॉल्ड कीज. ये जो छोटे छोटे बटन्स होते हैं इनको कीज़ कहते हैं. क्या कहते हैं? कीज़. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़. जैसे कि आप देख सकते हैं रेड कीज़ विद रेड नंबर विद रेड कलर, दीज आर कॉल्ड नंबर कीज़. दैट इज़ ऑन द टॉप. दिस विल बी शोन इन डिटेल फर्दर. देन अल्फ़ाबेट कीज़ मतलब ए बी सी डी कीज़. बैक स्पेस की मतलब पीछे का. बैक स्पेस मीन्स बैक मीन्स पीछे, स्पेस पीछे करना, एक स्पेस पीछे करना. पेज अप मीन्स पेज को ऊपर करना. पेज डाउन की पेज को नीचे करना. कैप्स लॉक की मतलब किसी भी अल्फाबेट को कैपिटल लेटर में लिखना. स्पेस बार की मीन्स एक स्पेस डालना. एंटर की मीन्स नेक्स्ट लाइन में आना. एरो कीज मीन्स अगर हम कुछ टाइप कर रहे हैं तो ऊपर नीचे आगे पीछे जाना. लेट्स रीड व्हाट इज़ द डेफिनेशंस एंड प्रॉपर सेइंग्स इन इंग्लिश. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज ऑन द कीबोर्ड. यू टाइप लेटर्स बाय प्रेसिंग अल्फाबेट कीज. सी अल्फाबेट. दीज कीज आर मार्क्ड विद English letters A to Z but are not arranged in sequence. ये जो alphabet keys होते हैं ये sequence में arrange नहीं होते हैं, लेकिन होते A to Z ही हैं completely. Then comes the number keys. Number keys are used to type numbers. They are marked with numbers 0 to 9. You can see this. They are marked with 0 to 9. नंबर कीज़ आर प्रेजेंट एट टू प्लेसेस ऑन द कीबोर्ड. कीबोर्ड के अंदर नंबर कीज दो टाइप्स में होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक कीपैड की तरह. लाइक अबव अल्फाबेट कीज एंड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द कीबोर्ड. राइट हैंड साइड होता है, दिस इज़ कॉल्ड द न्यूमेरिक कीपैड. इसको क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक कीपैड. Now the numeric keypad works only when you press the num lock key kept in the top. Keyboard के ऊपर एक num lock key होता है. ये जो तीन buttons बने हुए हैं इसके अंदर की num lock लिखा हुआ होता है. अगर उसको आप press करेंगे, अगर वो colorful है तभी ये वाला part चलेगा. Then comes the special keys. अल्फ़ाबेट कीज़ और नुमेरिक कीज़ के अलावा होते हैं स्पेशल कीज़. अपार्ट फ्रॉम अल्फ़ाबेट कीज़ एंड नुमेरिक कीज़ देयर आर सम अदर कीज़ ऑन द कीबोर्ड. दीज कीज़ आर कॉल्ड स्पेशल कीज़. दैट इज़ स्पेस बार की. यू गिव स्पेस बिटवीन द वर्ड्स बाय प्रेसिंग द स्पेस बार की. प्रेसिंग इट वंस गिव्स अ सिंगल स्पेस एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड. Notice this, it is the longest key on the keyboard. Then the enter key. You can take the cursor to the next line by pressing the enter key. Then the caps lock key. To type in the capital letters, press caps lock
key. It is present on the left side of the keyboard. Press the caps lock key once. A light glows on the top right of the corner. जब हम caps lock की press करते हैं तो एक light जल जाती है जिससे हमें पता चलता है कि अब सारे alphabet capital में लिखे जाएंगे. Press caps lock key again. The light goes off and now you can press again in small letters. Like this. अगर caps lock key on है तो it will be capital. अगर caps lock key off है तो it will be small. अब cursor क्या है? Cursor is a small blinking line on the screen of computer. The movement of cursor is managed by arrows key. Cursor is very important to understand. क्योंकि cursor क्या है? एक small blinking line. और arrows key के साथ ये आगे और पीछे जा सकता है. Then the backspace key. You can erase whatever you have typed by pressing the backspace key. जो कुछ भी हमने टाइप किया है उसको हम इरेज कर सकते हैं backspace key से. Backspace key erases letters on the left side of the cursor. जो backspace key होती है वो left side के letters को इरेज करती है. Suppose you have long, it is an example given. Suppose you have wrongly typed the spellings of word computer as computer. Press backspace key once to correct the mistake. Now something to remember. Caps lock key is used to type capital letters. Backspace key erases characters on the left side of the cursor. Page up key. Page up key is used to move the cursor up page by page in a file. Page down key is used to move the cursor down page by page in a file. Arrow keys are used for moving the cursor on the screen in four directions, left, right, up and down. You can save your file in the computer as a file. Saving the file is very important. Now we will understand touch typing. Oh, one more point we can check out. Christopher Sholes invented the keyboard, which was modified form of typewriter. Christopher Sholes वो थे जिन्होंने keyboard को invent किया, जो कि एक modified form था typewriter का. Touch typing. Touch typing क्या है? Touch typing is a method to type the text without looking at the keyboard. हम keyboard पे देखे बिना type कर सकते हैं. इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है. बट द पोजिशनिंग ऑफ आर फिंगर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. लेट्स सी द फिंगर्स. देखो हमने दोनों हाथ ऐसे रखे जैसे कि फ़ोटो में बताए गए हैं. और इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर एंड रिंग फिंगर इज प्लेस्ड इन जे के एल. सेम थम्स आर यूज्ड फॉर स्पेस बार. And middle finger will use caps lock bar. And the little finger will operate these two. So, if you sit like this, अगर आप ऐसी position में बैठते हैं और अपने हाथ को ऐसे रखते हैं तो typing बहुत fast हो जाती है. मुझे personally experience है, typing fast हो जाती है. See, put your left hand fingers on the key ASDF and right hand fingers on JKL and the symbol in the middle row as shown. Put both thumbs on the space bar. Now you can, the two keys G and H are placed at the center of the row. Use left index finger. Left index finger means left hand side key index finger to press G. And right index finger to press H. मतलब left side के index finger करेगी G को press और right side के index finger करेगी H को press. You can install any typing tutor from the internet and practice it all. This is an interesting topic, keyboard. I hope everyone is able to understand it and
it was easy with my wordings, with my explanation. Thank you so much for all the subscribers, and thank you for taking time and liking the videos. Please do give your feedbacks, and if you have not click on the subscribe button, please do so, and click on the bell button so that whenever a video is uploaded, you are notified. Thank you so much. Love.